So hello students, welcome to our channel Edu Entertainment. This is our part 3 of chapter 1 real numbers of standard 10 mathematics. So bachcho, aaj hum jo karne wale topic wo is chapter ka last topic rahega aur topic hai revisiting irrational numbers. So basically is topic mein humko ye padhna hai bachcho ki irrational number koi bhi irrational nahi hua hai, jaise example ho gaya root ho gaya root 3 ho gaya. Hum usko irrational number prove karenge by the method of contradiction. So kaise karenge aap video end tak dekhiye. तो बच्चों इस टॉपिक का हम थ्योरम पे आते हैं. इस टॉपिक में जो थ्योरम है और थ्योरम क्या है इसका मैं स्टेटमेंट अभी पढ़ता हूँ और आप ध्यान से इसे सुन लीजिए और समझ लीजिए कि क्या है. लेट पी बी अ प्राइम नंबर. इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो बच्चों इस थ्योरम में हमको क्या बोलना चाहते हैं कि पी को भी प्राइम नंबर ऐसे सपोज कर लीजिए. अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी डेफिनेटली ए को भी डिवाइड करेगा. ए क्या है को भी पॉजिटिव इंटीजर. सो बच्चों अब इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे और रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे जो आगे जो दूसरा थ्योरम है हमारा इस टॉपिक का. सो बच्चों आगे बढ़ते हैं और रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं. सो बच्चों अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं. वो टॉपिक क्या है टू प्रूव रूट टू इज इरेशनल नंबर. वो कैसे करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और हम कौन सा थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे थ्योरम 1.3. क्या बोलता है वो पी इक्वल्स प्राइम नंबर. इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए. ये आपको थ्योरम याद रखना है तो ये आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे. सो बच्चों मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि आपको जो भी प्रूव करने को बोला हो आप पहले सपोज क्या कीजिए उसका उल्टा सपोज कर लीजिए. जो भी आपको प्रूव करने को बोला उसका आप उल्टा सपोज कर लीजिए. तो अब हम पहला स्टेप पे आते हैं इस थ्योरम को रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करने का. पहला स्टेप पे आते हैं वो स्टेप क्या है. लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर. हमको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करना है. हमको इरेशनल नंबर प्रूव करने को बोला है तो हमने क्या मान लिया रूट टू को एक रेशनल नंबर मान लिया. अब आगे बढ़ते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर वी कैन राइट रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. हमने ये प्रॉपर्टी पार्ट टू में पढ़ा था अच्छे से. मैंने आपको डिटेल में ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझाया है. क्या प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की कि आप कोई भी रेशनल नंबर को इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो अभी हमने सपोज किया कि रूट टू रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा स्टेप टू रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो हमारे दो स्टेप हो गए. अब हम हमारे थर्ड स्टेप पे आते हैं. सो अच्छा अब हम स्टेप थ्री पे आते हैं. स्टेप थ्री क्या है. सपोज पी एंड क्यू कंटेंट कॉमन फैक्टर. जो हमने स्टेप टू था उसमें हमने बोला था कि रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू. हम मान लेते हैं कि पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले हम कॉमन फैक्टर को कट कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे बाद में हम लिखेंगे रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर कोसाइन. और ए एंड बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन के सिवाय ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. मैं क्या बोलना चाहता हूँ मतलब अगर हम लिखे 0.35 क्या लिख लिया रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी. हमारा स्टेप थ्री हो गया. अब हम स्टेप फोर पे आते हैं. सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी. अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट टू बी इक्वल्स टू ए. अब इस इक्वेशन में हम स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ द साइड तो हमारा क्या मिलेगा टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. अब ध्यान से देखे बच्चों टू हमारा प्राइम नंबर हो गया हम उसको पिन मार लेते हैं और ये हमारा ए स्क्वायर. तो हम थियरम 1.3 के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर सो टू डिवाइड्स ए. हमने थ्योरम 1.3 में सीख ही लिया था मैंने लिखा ही यहाँ पे. तो हमने क्या कर दिया ये हमारा प्राइम नंबर पी है टू डिवाइड ए स्क्वायर देयरफॉर टू डिवाइड ए. अब हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर टू सी इक्वल्स टू ए क्योंकि टू ए को भी डिवाइड कर रहा है वेयर सी इज सम इंटीजर. से हमारा स्टेप फोर हो गया. अब हम स्टेप फाइव पे आते हैं. दो इक्वेशन जो हमने स्टेप फोर में बनाए थे टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड टू सी इक्वल्स टू ए.
अब हम क्या करेंगे कि a की जो वैल्यू है 2c इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो क्या होगा, therefore 2b square equals to 4c square, therefore हम लिख सकते हैं b square equals to 2c square, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 4 2s are 2 2s are 4 which implies 2c square equals to b square. अब हम फिर से कह सकते हैं कि 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 क्या हम कहेंगे कि 2 divides b square, then definitely 2 divides b. Therefore हम step 4 में जो हमने ये इक्वेशन बनाया था सेम ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं, therefore 2x equals to b when x is some integer. ये हमारा step 5 हो गया. अब हम हमारे step 6 पे आते हैं. सो बच्चों स्टेप 6 क्या है कि हम हमने स्टेप 4 फ्रॉम स्टेप 4 एंड 5 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b. हमने स्टेप 4 में ये प्रूव किया कि 2 a को डिवाइड कर रहा है और स्टेप 5 में हमने ये प्रूव किया कि 2 b को डिवाइड कर रहा है. सो बच्चों हम इस स्टेटमेंट से ये हम ये कह सकते हैं कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और हमने पहले माना था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर यहाँ पे हमको 2 एज अ कॉमन फैक्टर अच्छे से दिख रहा है, हमने खुद से ही प्रूव किया है, तो ये एरर जनरेट क्यों हुआ. हमने तो बोला था कि a और b में कोई अदर देन 1 कॉमन फैक्टर है ही नहीं, पर यहाँ पे तो हमने खुद से ही हमने प्रूव किया कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड, तो ये एरर क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि हमने सपोजिशन जो किया था कि रूट 2 रैशनल नंबर है वो गलत है, तो हमने यहाँ से हम ये कह सकते हैं हमारा स्टेप 7 क्या रहेगा, हमको क्या लास्ट में क्या बोलना है. स्टेप 6 में एरर क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि जो फैक्ट है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है इसलिए ये एरर जनरेट हुआ है. इसलिए हम स्टेप 6 से हम ये कह सकते हैं कि रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है. ये हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो ये हमारा टॉपिक का मेजर है. इससे अगला थ्योरम जो है वो इसमें हमको बोला कि रूट 3 को प्रूव करें. तो ऐसे ही आपको सेम सारे स्टेप्स मैंने आपको जो सिखाया आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए. आप उसमें हमारा कौन सा हमारा प्राइम नंबर आएगा, हमारा उसमें प्राइम नंबर आएगा 3, तो हम ऐसे ही जाएंगे और इसमें हमको हमारा कंक्लूजन पे आएंगे कि 3 डिवाइड्स a एंड 3 डिवाइड्स b. तो हमने तो सपोज किया कि a और b में अदर देन 1 को कॉमन फैक्टर है ही नहीं, पर इसमें तो 3 निकल गया क्योंकि हमने खुद से प्रूव किया. इससे हम बोल सकते हैं कि रूट 3 भी इरेशनल नंबर है. तो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल में क्या करना है हमको, प्रूव 5 माइनस रूट 2 इज इरेशनल नंबर. तो हम पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करना, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे कि 5 माइनस रूट 2 को रैशनल नंबर सपोज कर लेंगे. फिर हम बोलेंगे 5 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम. सो हमने पहले हम पी बाई क्यू लिख सकते थे, पर हमने पहले से कॉमन फैक्टर निकाल दिए. हमने बोल दिया कि 5 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, और एक कंडीशन आई कि बी नॉट इक्वल्स टू. अब हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि हम रूट 2 को इस साइड ले आएंगे, तो 5 बाई 1 माइनस ए बाई बी इक्वल्स रूट 2. तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5b माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू रूट 2. तो बच्चों अब हम कह सकते हैं कि 5b माइनस ए बाई बी कंटेन ए एंड बी वेर ए एंड बी आर कोप्राइम. इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जो हम इससे बोल सकते हैं ये नंबर इरेशनल, इसमें सिर्फ ए एंड बी है वो भी कोप्राइम नंबर है. सो क्लियरली वी कैन से दैट 5b minus a by b is rational number. But according to the condition, हमने जो step 3 में जो condition लिखी थी कि 5b minus a by b equals to root 2, तो इससे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि root 2 is rational number. But ये तो हमारा, but ये क्या बोल रहा है कि but this contradicts the fact that root 2 is irrational number. ये तो हमारा जो fact है कि root 2 irrational number, इसको contradict कर रहा है. मतलब हम ये बोल सकते हैं conclusion में कि 5 minus root 2 is also irrational number, क्योंकि हमारा कंडीशन जो है जो फैक्ट है रूट 2 इरेशनल नंबर का उसको ब्रेक कर रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. इसलिए हम कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि 5 माइनस रूट 2 भी इरेशनल नंबर ही है. सो बच्चों ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ. अब इसके एग्जांपल और सम्स जो है एक्सरसाइज के आप खुद से सॉल्व कीजिए. यही सब सारे स्टेप फॉलो कीजिए, आप आसानी से कंक्लूजन पे आ जाएंगे, आप आसानी से आप आंसर प्रूव कर लेंगे. सो बच्चों तो ये हमारा चैप्टर 1 आज खत्म हुआ. सो बच्चों बहुत शुक्रिया आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को एडवेंटेज में. आगे भी बस आप हमें को सपोर्ट करते रहिए, हम आगे भी ऐसे वीडियो डालते रहेंगे. तो हमें संभव माफ करना, और अगर
आपको ये पसंद आया हो तो आखिर में ये बोलूँगा कि लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पुअर पीपल के साथ शेयर कीजिए, पुअर पीपल के पास कि जो ये बड़े बड़े ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप जरूर आप इससे तो जरूर ही शेयर कीजिए कि आप ये वीडियो देखते हैं, उनको अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। और थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए, और आगे भी ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे मस्ती टाइम।